नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नंबर वन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ फिर से एक न्यू वीडियो, जो कि है कालीबाई भील मेधावी एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर आपके जो मैसेज हैं वो आने शुरू हो चुके हैं और इसका प्रूफ भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट बिना प्रूफ के विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, CPRJPUCC के नाम से ये मैसेज आया है। अब इसमें क्या मैसेज आया है उसके बारे में आप लोगों को बता दूँ कि इसमें आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है आपकी स्कूटी के लिए वो हो रही है, उसके लिए सभी कैंडिडेट के पास मैसेज आने शुरू हो चुके हैं और अब आपको जल्द ही सितंबर महीने के अंदर अंदर स्कूटी वितरण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ये 2021-22, 2022-23, 2023-24 सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, सभी के पास ये मैसेज आने शुरू हो चुके हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार का मैसेज आता है। देखिए, ये इस प्रकार का, देखिए 9:12 पे आज ही मैसेज आया है। तो इसमें इनको जो इनके व्हीकल नंबर हैं ये मिल चुके हैं, स्कूटी के जो व्हीकल नंबर हैं RJ45CN0268। ठीक है, तो इसी प्रकार से सभी के पास जो मैसेज है वो आएगा और इसके अंदर आप लोगों का जो बीमा आदि का कार्य है वो भी किया जा रहा है और ये आपके सर्टिफिकेट नंबर हैं और ये जो वैलिड है वो 5/9/2024 तक के लिए वैलिड है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें बोला गया, यानी कि अगले साल की 5 तारीख है, जैसे कि आज 5 तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ तो अगले साल की 5 तारीख तक है, यानी कि 5 सितंबर, इस 5 सितंबर को रजिस्ट्रेशन हुआ तो अगले 5 सितंबर तक ये रजिस्ट्रेशन मान्य है, ऐसा इसमें बोला गया है। ठीक है, तो इसके लिए ₹70 का चार्ज भी लिया गया है जो कि गवर्नमेंट ने दिया है, इसके लिए आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ₹70 चार्ज दिया है ये गवर्नमेंट ने दिया है, आप लोगों के कुछ भी नहीं लगने वाला है इसमें, तो आप लोग बिल्कुल निष्क्रिय रहिएगा। इस प्रकार का आप लोग जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर हैं ये आप लोगों को मिल चुके हैं, स्कूटी के नंबर आप लोगों को आपके अपने मिल चुके हैं और आपका जो बीमा आदि है उसके नंबर आप लोगों को मिल चुके हैं। तो आप लोग अपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिसको आपने फॉर्म भरते टाइम में लगाया था उस नंबर पर जा करके चेक कीजिएगा, इस प्रकार का आपको मैसेज मिलेगा। अगर नहीं मिला है तो आप लोगों को जस्ट 2-4-5 दिन के अंदर अंदर सभी को मिल जाएगा। रही 2023-24 में जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आ चुकी है, बहुत से कैंडिडेट बोल रहे हैं कि हमने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो उसके लिए माननीय शकुंतला जी राउत जो कि देवस्थान विभाग के मंत्री है देवनारायण स्कूटी के लिए, उन्होंने एप्लीकेशन विभाग को फॉरवर्ड कर दिया है। और माननीय राजेंद्र जी यादव जो कि कोटपुतली के विधायक हैं और हायर टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित मंत्री हैं, तो उन्होंने भी अपना जो एप्लीकेशन है डेट एक्सटेंड के लिए वो भेज दिया है, लेकिन मुझे आशा 50% लग रही है कि डेट बढ़ेगी, क्योंकि जो आचार संहिता है उस वो जल्द से जल्द लगने वाली है, तो ये लोग इसी में अपनी फाइनल लिस्ट जारी करके और जल्द से जल्द स्कूटी वितरण का कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी 50% आशा है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग राजेंद्र जी यादव जी को बोलिए कि सर जल्द से जल्द हमारा जो स्कूटी का फॉर्म है वो रीओपन करवाइएगा, मैंने जो प्रक्रिया है आगे की कि क्या करना है, क्या बोलना है राजेंद्र जी यादव को, शकुंतला जी को क्या बोलना है, वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा और QR कोड भी आप लोगों को जल्द से जल्द मिलने वाला है। तो यही थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज जो कि आप लोगों को देनी थी, बाकी इसी प्रकार की आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव सूचना विथ प्रूफ मैं आप लोगों को देता रहता हूँ। तो इस चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को भी ऑल नोटिफिकेशन पे दबा देना। अब आपकी स्कूटी की बात रही सर किस किस को मिलेगी, तो ये 2021-22, 2022-23, 2023-24 सभी को इसी सेशन में इसी महीने के अंदर मिलने की पूरी संभावना है। 2021-22 और 2022-23 को तो इसी महीने में मिल जाएगी, लेकिन 2023-24 वाली जो फाइनल लिस्ट है वो भी जल्द से जल्द जारी होने की संभावना मुझे लग रही है। हालांकि मुझे ऑफिशियली न्यूज़ नहीं मिली है, लेकिन मैं अपने मन से बता रहा हूँ, आप लोग ये मत मान लेना कि सर आपने ये बोला था। ठीक है, तो ऐसा मुझे है विश्वास कि हाँ भाई इसी मंथ है जो वो जारी हो सकती है, बाकी जो आगे कोई भी न्यूज़ या नोटिफिकेशन आएगी मैं आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करना।